ओके, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवंती सेशन। सब लोग कैसे हैं? बढ़िया, मस्त, सब बचे हुए हैं? मानो सुना है छुट्टियां एक्सटेंड हो गई आपकी। यस मैम। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, बिल्कुल कृष्णा, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, ऐसा कोई दिल पे मत लगाना। ओके, तो सबकी छुट्टियां एक्सटेंड हो गई तो काफी लोग खुश होंगे, लेकिन जिनके घर की तरफ पानी आ रहा होगा वो परेशान होंगे, क्या कहते हो? ठीक है, यस तो मैम। जरूरत पड़ने पे घर से बाहर निकलना, ज्यादा मत निकलना, क्या पता किस तरफ कब पानी आ जाए, क्या कहते हो? ठीक है ना, छुट्टियां घर बैठने के लिए हुई है, घूमने के लिए नहीं हुई, तो बैठ के पढ़ाई करना, आप लोगों की सेफ्टी कंसर्न से हुई है। ओके, तो सबको याद है हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे लास्ट वाली क्लास में? हमने कुछ वो कुछ टर्म्स जैसे मल्टीप्लाई में होती हैं उनके कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, याद है कि उनके मल्टीप्लाई में कॉफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं, याद यस आया? मैम, ग्रेट, यस तो अब आगे बात करते हैं। अब आप देखते हैं, नोटेशंस हो गया, बाइनोमियल का एक्सटेंशन हो गया, जनरल टर्म हो गया, और कुछ एप्लीकेशंस हो गई, कुछ आज करेंगे, राइट? तो बढ़े आगे। यस ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनके जैसे क्वेश्चंस आपने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर लिए थे, शायद याद आया होगा, क्या कहते हो? करें यस थे मैम। जैसे ऐसे क्वेश्चंस करे थे? रेडी टू आंसर? सोचने के लिए तैयार हो? मैंने ऐसा एक एग्जांपल आपको जब जनरल नोटेशन बताई थी, एक्सटेंशन बताई थी, उस टाइम पे भी बताया था कैसे होता है, दो को एक मान के। यस मैम। इसमें तो कुछ भी नहीं पूछा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछी है, तो इसका पावर देख लोगे कितना है, क्या कहते हो? यस मैम। अब मतलब इसको ऐसा सोचोगे ना कि आप इसको बोलोगे भाई 1 + x + 1 / x हो जाए, राइट? इसके पास n टर्म्स है, लेकिन जब ये इसकी पावर n होगा तो ये फिर n टर्म्स देगा। यस एग्री? तो जाने कि n टर्म्स जो है वो 2n टर्म्स देगा और एक कांस्टेंट टर्म, तो टोटल कितनी टर्म्स हो जाएंगी इसकी? 2n + 1 हो जाएगी बच्चा पार्टी। क्लियर? यस यस और नो? इन द सेम वे कैन यू थिंक फॉर द नेक्स्ट वन? उसको कैसे सोचेंगे? इसको थोड़ा सा सही करके लिख सकते हैं, जैसे लास्ट क्लास में किया था, 1 - x लिख ले और ये 1 - x³ की पावर 200 हो जाएगा, क्या कहते हो? क्लियर? कैसे मैम, फर्स्ट क्वेश्चन में 2n+1 कैसे आया? आया? क्योंकि माय डियर, जब आप ये देखो यहाँ पे आपने इसकी एक्सपेंशन करी थी, हमने क्लास में भी करी थी वेरी फर्स्ट डे, तो आपने इसको ऐसा लिखा, तो आप देख रहे हो कि ये जो टर्म है वो एक्सपेंड करेगी, कितने टाइम्स और करेगी एक्सपेंड, इसके साथ इसको एक्सपेंड करने के बाद एन टर्म्स और ऐड हो जाएंगी, यस मैम। तो आपके पास एन टर्म्स इसकी यहां से यहां तक और एक इसकी एन फर्दर अटेंड हो गई, एक ये बची, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई? 2n + 1 हो गई ना। यस मैम। ग्रेट, अब अपन बात कर रहे थे दूसरे वाले क्वेश्चन की, इसमें से एक 1 - x ले लिया तो 1 - x³ बना, तो इसने आपको क्या बोला कि मेरे पास 201 टर्म्स होंगी, क्या कहते हो? और जितनी भी टर्म्स है ये इसको ट्वाइस करेगा कि दो टर्म्स, तो 2 × 201 यानी कि 402 टर्म्स होंगी टोटल। एग्री? बोल के बताओ, यस नो? कैसे? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट यहाँ तक? सिल्की, निधि, यस मैम, अनुराग? क्लियर। ठीक है, ओके। अब इसके बारे में सोचते हैं, क्या सोचोगे?
भाई जब आपको ये एक्सटेंशन दे रखी है, आपको एक्सपैंड करके बता रखी है, जब एक्स 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री ऐसा कुछ बनेगा, सिंपल सी टर्म है। जब ए 1 होगा, ये कब बनेगी? जब ए की एक्स की वैल्यू 1 होगी फॉर ए पार्ट। मान लो कि एक्स 1 है तो आप बोलोगे ना कि ए नोट प्लस ए 1 प्लस ए 2 अप टू सो ऑन ए 12 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस 2 प्लस 1 उसकी पावर 6, यानी कि 0 की पावर 6। तो 0 ही आ जाएगा सम ऑफ कॉफिशिएंट्स। यस मैम, क्या सबको क्लियर है? क्या कहते हो, किसी को डाउट है? मैं 12th तक कैसे, इसमें तो 6 टर्म है ना टोटल, तो 12th तक कैसे पहुंच जाएगा ये? 12th तक कैसे है क्योंकि 3 टर्म्स का मिक्सचर है। यस मैम, अभी अपन ने बात करी थी पीछे, ठीक यस मैम, है। अब आगे सोचो, दूसरी वाली में इवन टर्म्स चाहिए। तो एक तो आपने ये बना लिया, लेट इट बी इक्वेशन 1। और अब अगर एक्स माइनस 1 पुट करूंगी तो बच्चा पार्टी क्या बनेगा? ए नोट बनेगा माइनस ए 1 बनेगा प्लस ए 2 बनेगा माइनस ए 3 बनेगा एंड सो ऑन ए 12 तक जाएगा। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1 माइनस 2 माइनस 1 का पावर 6। दैट मीन्स आपके पास कितना बना? -2 की पावर 6, और वो 64 के बराबर हुआ बच्चा पार्टी। ये इक्वेशन 2 बन गई। 1 प्लस 2 कर दो तो क्या आप लोग देख पा रहे हो कि ट्वाइस इंटू ए नोट प्लस ए 2 प्लस ए 4 एंड अप टू सो ऑन ए 12 तक जाएगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा? 64 के। तो आपके पास इसका आंसर कितना आएगा कि ए नोट प्लस ए 2 प्लस ए 4 एंड अप टू सो ऑन ए 12 इवन इवन टर्म्स 32 के बराबर आएगा। क्या कोई डाउट? नो मैम, क्लियर है? मतलब सोचना है कृष्णा अनुराग इस चीज पे कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ये नहीं है कि ये देखा तो बस शुरू हो गए अपन बाइनोमियल लगाना। क्लियर है? इसमें वन अपने आप से डालें तो मान के वन क्या? की वैल्यू। हाँ, क्योंकि ये आपको दे रखा है ना, एक्सपैंड कर रखा है, और आपको बोला है कि ए सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए, यानी कि एक्स है ही नहीं उनके पास, यस तो मैम, एक्स को 1 कर दिया। क्लियर है? बड़े यस आगे। मैम, अब देखो, अब यहाँ तक हो गया, ये सब कॉफिशियंट्स के बारे में था। अपन रो 2 दिन इनसे देख रहे हैं, एक एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम है, एप्लीकेशन है, तो उसी के बारे में बात करने लगे हम, एप्लीकेशन के बारे में। तो सब रेडी है यहाँ तक? तब तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम, ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ डाउट नहीं है, तो अपन आगे बढ़ सकते हैं आप लोगों की यस तरीके से। मैम, ठीक है, तो एप्लीकेशंस में एक बार देखो आप लोगों को क्या समझ आ रहा है, क्या कुछ समझ आ रहा है, एक बार रीड आउट करो स्लाइड को। देखिए, बायनोमियल थ्योरम हैज सम एप्लीकेशन इन डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर प्रॉब्लम, राइट? कौन कौन सी एप्लीकेशन है? एक डिविजिबिलिटी में, एक रिमाइंडर प्रॉब्लम में। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊं, देखो 1 प्लस x की पावर n जो है वो आपने देखा ना, NC0, NC1x प्लस NC2x की पावर 2 एंड सो ऑन NCnx की पावर n होता है। एग्री? अगर आप देखोगे तो ये 1 है और ये nx है, राइट? क्या बात क्लियर है? यस मैम, तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ कि 1 प्लस x की पावर n, और अगर इस 1 को दूसरी तरफ ले जाऊं -1, क्या उसके बाद वाली सारी टर्म्स में से x कॉमन निकल सकता है? आपके पास बचेगा n plus NC2x plus NC3x square and so on। एग्री? क्लियर? यस मैम, इन द सेम वे, अगर 1 प्लस x की पावर n -1 -nx कर दूं
तो माई डियर बच्चा पार्टी, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और आपके पास बचेगा एन सी टू एन सी थ्री एक्स एंड सो ऑन। क्या बात क्लियर हुई? मैम। ठीक है, अब इसकी आप बोलोगे कि एप्लीकेशन कहाँ हुई। मान लो कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोल दो 1 + 8 की पावर 100 है, ठीक है, और इसकी -1 है, तो क्या आप इसमें से आपको दिखा कि x कॉमन निकल जाएगा, 8 कॉमन निकल जाएगा। यस मैम। इन द सेम वे अगर मेरे पास 1 + 7 की पावर 500 है और उसमें से -1 -7 × 500 कर दूं तो मेरे को दिख जाएगा कि ये 49 से डिविजिबल है। यस मैम। क्या सबको बात क्लियर हुई कि इसको एग्जैक्टली आप यूज कहाँ करने वाले हो? राइट कृष्णा? तो आप लोगों ने पढ़ा कि भाई 1 + x की पावर n -nx जो है वो x स्क्वायर से डिविजिबल है। इसका मतलब फॉर एनी इंटीजर ए एंड बी वी कैन से बी इज डिविजिबल बाय ए इफ बी इज इक्वल टू ए के। ये तो आपको पता ही है, क्या कहते हो? नॉर्मल डिविजिबिलिटी रूल है। काफी बच्चों की आवाज नहीं आ रही मुझे आज, क्या बात हो गई? गायब यस गायब से हो गए, लग रहा है मुश्किल है, कैसा लग रहा है? मैम, सब यहीं बैठे हैं, बस सुन रहे हैं आपकी बात। सदमे में क्यों? छुट्टियां हो गई इसलिए सदमा लग गया? मैम सदमा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सब यहीं बैठे हैं, बस सुन रहे हैं आपकी बात। अच्छा, मैंने सोचा सदमा लग गया। तो ये देखो, अब ध्यान से देखो, 6 की पावर 2n -35n -1। ध्यान से फोकस करो, ये 6 की पावर जो 2n है, क्या इसको आप 6 की पावर 2 और उसका n, यानी कि आप 36 की पावर n लिख सकते हो? -35 -35n -1, क्या इस 36 को भी 1 + 35 की पावर n लिख सकते हो? -35n -1। क्या अब स्ट्राइक करा सब लोगों को कि भाई ये तो 1 + x की पावर n -nx, राइट, -1 है। यस मैम। मीन्स एक्स यहाँ पे 35 है, तो मुझे क्लियरली दिखा कि यस ये जो टर्म बनेगी ये 35 का स्क्वायर, उसके बाद कुछ टर्म बनेगी, तो इसका आंसर यस आएगा भी, ये 35 स्क्वायर से डिविजिबल है। हाँ यस मैम। क्या क्वेश्चन स्ट्राइक करा? क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो एक बार सोचो, जो मैम। रिलेशन निकाला उसी से आंसर निकाला, जो एक्सपेंशन पढ़ी थी हमने, जो अपन ने बोला था दो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस है जो आप ज्यादा यूज करते हो, याद? चले आगे। अब देखो, अब आपको दे रखा है 9 की पावर 7 7 की पावर 9, कहते इसके बारे में सोचो। अरे इसको देख के क्या कोई कॉम्बिनेशन याद आ रहा है कि जो 9 है क्या उसको 1 + 8 की पावर 7 लिख सकते हैं, और इसको 8 - 1 की पावर 9 लिख सकते हैं? बच्चा पार्टी, यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लेते हैं, तो 1 + 8 की पावर 7 -1 - 8 की पावर 9 लिख सकते हैं। क्या कहती है यस कन्हा? मैम। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा देखें और आप लोग थोड़ा सोचो, सोचना बात कैसे कैसे सोचोगे, मुझे 64 के बारे में बात करनी है, राइट? तो आप क्या सोचोगे? आप इसको बोलोगे भाई तो 7c0 होगा प्लस फिर उसके बाद 7c1 8 हो जाएगा, राइट, प्लस 7c2 8 का स्क्वायर बनेगा एंड सो ऑन, ऐसे टर्म्स बनेंगी। माइनस 9c0 बनेगा प्लस 9c1 -8 की पावर 1 बनेगा। क्या कहते हो बच्चा पार्टी? यस मैम। यस मैम। 9c2 8 की पावर 2 एंड सो ऑन, कुछ ऐसी टर्म्स बनेंगे। एग्री? यस मैम। ठीक है, तो आपको एक चीज दिख रही है भाई, 7c0 9c0 1 होते हैं और माइनस प्लस के हैं तो कट गए। क्लियर? यस मैम। 7c1 7 7 × 8 प्लस
प्लस 7c2 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन, कुछ ऐसी टर्म्स बनी। माइनस 9c1 माइनस 8 यानी कि माइनस 72 बना, प्लस 9c2 8 का स्क्वायर बना एंड सो ऑन, कुछ ऐसी टर्म्स चली। अब इसको थोड़ा और रीअरेंज करती हूँ तो क्या मैं ये देख पा रही हूँ कि 7c2 8 स्क्वायर एंड सो ऑन कुछ टर्म्स है। इन द सेम वे माइनस 9c2 8 का स्क्वायर फिर प्लस हो जाएगा, कुछ ऐसी टर्म्स चलेंगी अगर आप प्लस कर दोगे, राइट, माइनस कर दो, ठीक है। यस मैम, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। और साथ में प्लस 56 प्लस 72, क्या एग्री? यस मैम, फिर आप लोगों को शायद दिखा कि इस टर्म्स में से 8 स्क्वायर कॉमन निकला, इसमें से भी 8 स्क्वायर कॉमन निकला, और इसके पास क्या है? ए, हाँ तो इसको थोड़ा सॉल्व कर ले इकट्ठा करके, ये कंबाइन करके कितना बनेगा, ये आपको देगा 128। और 128 जो होता है वो 64 × 2 होता है, यस मैम, तो जाने की इसमें से भी 8 स्क्वायर कॉमन निकला, तो आपके पास बचा कितना, आपके पास ये पूरा एक्सपेंशन बनेगा और प्लस 2 बच जाएगा, तो 8 स्क्वायर 64 ही होता है। क्या ये 64 से डिविजिबल है बच्चा पार्टी? क्या यस मैम, क्लियर हुआ? यस मैम, यस मैम, यस मैम। कोई कंफ्यूजन है? देखो मेरे लास्ट स्टेप से दोबारा समझा दो, लास्ट से। देखो स्टार्टिंग से करते हैं, वेरी फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर है कि 9 और 7 दिखे तो दिमाग में एक चीज खटकी कि दोनों 8 + 1 और 8 - 1 है। नॉर्मली दोनों का एक्सपेंशन लिखा और 1 1 कट गया, उसके बाद जो सॉल्व हो रहा था ठीक है, जो स्केयर वाली टर्म थी वहां से अपने एज इट इज रखा, और यहाँ से तो क्लियर है भी इसके पास भी 8 स्केयर है, इसके पास भी 8 स्केयर है ना। बचा क्या 56 और 72, ये दोनों ऐड हो गई, जब ऐड हुए तो 128 बना, इसके पास भी 8 स्केयर कॉमन निकला, तो जब सबके पास 8 स्केयर पड़ा है तो मेरी जो फुल टर्म है वो 64 से डिविजिबल है। एक बार देखो अपने एंड से, अपनी अपनी नोटबुक पे नोट करके देखो कि मेरे को कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। बोलिए, क्योंकि जो आपको ये देता है ना डिविजिबल, वही आपको हिंट देता है कि कहाँ तक सोचना है आपको। बोलिए, अब ये देखो ये इसने 14 दिया है और यहाँ पे 13 है, क्या इसने आपको हिंट दे दिया कि क्या सोचना है? फोर्टीन माइनस 1 की पावर 2n + 1 होगी, प्लस 1 होगी, राइट। तो ऐसे ही चलते हैं, आप इसको क्या लिखोगे भाई, 2n + 1 c0, 14 की पावर 2n + 1, राइट, -2n + 1 c1, 14 की पावर 2n, एंड सो ऑन, ऐसे टर्म्स चलेंगी या नहीं, कहाँ तक चलेंगी? आप बोलोगे कि 2n + 1 c 2n + 1 और आपके पास -1 की पावर 2n + 1 आएगी, क्या कहते हो बच्चा पार्टी? प्लस 1 बाहर एक टर्म पड़ी, क्या इतनी बात क्लियर है? यस और नो? यस मैम। अब कितने लोगों को स्ट्राइक करा कि ये -1 है, क्योंकि -1 की पावर क्या है, ऑड, तो ये 1 बना, तो ये अल्टीमेटली ये और ये टर्म कट गई, एग्री। तो इसके बाद जितनी भी टर्म बनी सोच के देखो, 2n + 1 c0, 14 की पावर 2n + 1, -2n + 1 c1, 14 की पावर 2n, एंड अप टू सो ऑन, आपके पास कहाँ गया होगा, आपके पास गया होगा 2n + 1 c, राइट, कितना बना होगा 2n और 14 की पावर 1 बचा होगा, क्या कहते हो? यस मैम। तो यहां से आपको क्या स्ट्राइक करा, भी सबके पास 14 तो है, इट मींस 14 कॉमन निकलेगा, तो आपके पास 2n + 1 c0, 14 की पावर 2n बचेगा,
एंड सो ऑन ऐसी टर्म बचेगी, तो ये डिविजिबल बाय 14 हुआ या नहीं? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट देखें, एक आपको कहते हैं पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर x की पावर n माइनस वन है तो आप उसको कैसा लिख सकते हो? x माइनस वन बाहर लिख लो, बाकी सारे टर्म्स के एक एक पावर कम करते चलो। अगर n ऑड है तो x प्लस वन बाहर निकाल लो। क्लियर है? और एक और, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, ऐसा लिख। क्लियर है बच्चा पार्टी? मैम एक बार और बता दीजिए नेट। ओके, क्वेश्चन को बताऊं या सिर्फ ये रिमार्क को बताऊं? दो फॉर्मूले कि x की पावर n माइनस वन लिखे तो आपको क्या करना है कि x की पावर x माइनस वन बाहर निकाल लो और उसकी पावर से एक कम हो जाएंगे, ठीक है, टिल वन। और अगर n ऑड है, इनकेस n ऑड है और साइन प्लस है तो बाहर निकालो और देख चेक करो, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, ऑल्टरनेट साइंस हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्यों बताया, इसको यहाँ पे क्यों बताया, कोई तो फंडा होगा ना यहाँ बताने का, क्या कहते हो? तो देखो, अगर आप यहाँ पे एक मेथड टू लगाते हैं कि आप इस क्वेश्चन को और कैसे सोच सकते हो, 2n plus 1 जो है वो ऑड है ना, राइट? तो आप क्या लिख सकते थे कि 13 की पावर 2n plus 1 plus 1 जो है उसको मैं लिखूंगी 13 plus 1 और मेरे पास क्या बनेगा, 13 की पावर 2n minus 13 की पावर 2n minus 1 plus 13 की पावर 2n minus 2 up to so on minus 1 की पावर कितनी जाएगी बच्चा पार्टी, 2n तक जाएगी या नहीं? क्लियर? यस मैम। तो क्या स्ट्राइक करा कि इसके बाहर कितना आ गया, 14, यानी कि ये जो टर्म है वो 14 से डिविजिबल है, ये शॉर्टकट है, स्ट्राइक करा। यस मैम। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ग्रेट, अब देखो कैसे करोगे। अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में अटपटा सा लग रहा है, क्या कहते हो ना? वो थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो विजिबल है, तो इसको कैसे सोचोगे बताओ? क्या कोई सोच पाएगा इस क्वेश्चन को? क्या आप इसको सोच पाओगे? आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2 माइनस 8n माइनस 9, राइट? तो क्या स्ट्राइक करा कि 9 की पावर n माइनस 8n माइनस 9 है? दिशा मैंने क्या लिखा? यस मैम। ठीक है, तो जो 9n है क्या उसको अपन 9 इंटू 1 प्लस 8 की पावर n लिख सकते हैं? यस मैम। माइनस 8n। क्लियर? और माइनस क्या लिखते होते हैं, माइनस 1 माइनस 8, क्या ठीक है? यस मैम। अब चलेगा, थोड़ा इसको भी ऐसा लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके साथ में 9 है ना, तो इट विल बी कैंसिल। अब देखो 1 प्लस 8 की एक्सटेंशन आती है आपको,
आपको याद होगा 9 इंटू क्या बनेगा, एन सी जीरो प्लस एन सी वन 8 प्लस एन सी टू 8 का स्क्वायर एंड सो माइनस 8 एंड माइनस 9। क्या क्लियर है? Yes. और देखोगे तो ये 9 बनेगा प्लस 8 एन बनेगा एंड अब वो कौन ऐसे टर्म्स बनेगी, माइनस 8 एन बनेगा, ये 9 इंटू 8 बनेगा, माइनस 9 बनेगा, ये 9 और 9 कट गया, राइट? यस मैम। 72 माइनस 8 64 एन बना प्लस एन सी टू 8 का स्क्वायर बना प्लस एन सी थ्री 8 का क्यूब बना एंड अप टू सोन ऐसे। क्या अब आपको लग रहा है कि हर टर्म के पास 8 है, 8 का स्क्वायर है? सो दिस इंप्लाइज कि 64 बाहर आएगा और बचेगा कितना, n प्लस एन सी टू 8 का स्क्वायर प्लस एन सी थ्री 8 का स्क्वायर तो निकाल ही लिया, तो ये कितना बनेगा, एन सी टू बचेगा सिर्फ। यस मैम। उसके पास 8 एंड सो ऑन, तो ये बाहर 64 इज शोइंग दैट इट इज डिविजिबल बाय 64। क्या कहते हो? हाँ जी चीकू बोलिए। मैम मैम यहाँ से समझ नहीं आया, जो आपने 9 प्लस 9.8 एन लिखा। अच्छा ऊपर से तो ये यहाँ तक सारा समझ आ गया चीकू? यस मैम मैम ठीक है। तो जी को देख, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू n होती है। अभी मैंने 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने बोला 9 into 1 9 बनेगा, 9 into 8 n, 9 into 8 n बनेगा, क्लियर? ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 9 है, ये कैंसिल हो गया। यस मैम। ये बना 72n और ये बना 8n, 72 में से 8 माइनस किया तो 72 में से 8 माइनस किया तो 64n बना। यस मैम। इसके बाद nc2 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन, वो टर्म्स एज इट इज चल रही है, तो मुझे यहां से दिखा कि हर किसी के पास 8 का स्क्वायर तो है ही, वही तो 64 है। आगे बढ़ो। थैंक यू। हां जी, क्या ये एप्लीकेशन वाला पार्ट सबको क्लियर हो रहा है? यस मैम। ग्रेट। चल फिर देखें, अब ये बात 25 के कर रहा है, मैं तो कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्या कहते हो, है ना? अगर ये 64 की करता या किसी और की चीज की करता तो सिल्की मैं सोच पाती ना। yes, इसने तो बात ही yes, तो अनुराग ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई क्यों ना आप लोग 7 की पावर 2 उसकी पावर 51 कर लो, तो 102 ही होता है। yes, ma'am. यानी कि 49 की पावर 51 दे रहा है। Yes, ma'am. 49 को 50 माइनस 1 लिख सकते हैं उसकी पावर 51, और इसको अपन इजीली 1 माइनस 50 की पावर 51 भी लिख सकते हो। क्या कहते हो, यहाँ तक कोई इशू? नो मैम। माइनस बाहर आएगा? यस मैम। माइनस बाहर रखा। कृष्णा तू है आज क्लास में? 51 नो मैम, आज कृष्णा नहीं है। है मैम, कृष्णा क्लास में। कृष्णा नहीं है क्लास में मैम, उसका डाटा हो गया ना, खत्म हो गया, तो वो हमसे शो हो रहा है, मतलब है नहीं। अच्छा, तो इसकी पावर 50 प्लस 51 सी 2 50 की पावर 2 है ना, ऐसा ही चलता रहेगा बच्चा पार्टी? यस मैम। 51 सी 51 तक चलेगा और 50 की पावर 51 आ जाएगा। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब आगे क्या सोचा उन्होंने, पूछा रिमाइंडर बताओ कि कितना होगा। तो माय डियर बच्चा पार्टी, क्या आप ये सोच पा रहे हो कि इसके बाद वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो सब 25 से डिविजिबल है? यस मैम। क्या सबको दिख पा रहा है? क्योंकि देखो 50 का मल्टीपल है, जाने कि यहाँ से लेके यहाँ तक सारी टर्म 50 से 25 से डिविजिबल है। यस मैम। एग्री? तो क्या मैं इतना बोलूं कि भाई ये तो 25k है? हाँ यस मैम। हमने पढ़ा था ना, a is divisible by b, इसका मतलब a जो है वो b k के बराबर है।
कोई ना कोई मैम, इंटीग्रल वैल्यू तो आपके पास बना -1 -25 के, इट मीन्स आपके पास आया -1 + 25 के, राइट? तो आपको पता चला कि 7 की पावर 102 जो है उसको जब डिवाइड करोगे तो 25 के - 1 आएगा। इसका मतलब जब के कितना होगा, बोलिए बच्चा पार्टी, के कोई मल्टीपल होगा तो जब भी आप के 1 2 3 ऐसे मल्टीपल चलेगा, इसका मतलब कि जो आपका रिमाइंडर होगा वो कितना आएगा, जब K1 होगा K2 होगा वो हमेशा ही 24 की टर्म्स में आएगा। यस मैम। क्या सबको बात क्लियर है? नहीं पता चला, क्या कहते हो? इसको थोड़ा और डिफाइन कर देते हैं। चीकू भी हैंड रेस करेगा, उससे पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ। चीकू बात सुन, करने यस मैम। वाला था ना हैंड रेस। अगर मैं बोलूं कि ये 50 का मल्टीपल है, फिर तो कोई इशू नहीं है, 50 के है, ठीक है? इसका मतलब -1 - +50 के बनेगा आपके पास, अब तो कोई इशू नहीं है, नो मैम। ठीक है? तो क्या इसमें मैं -24 + 24 कर लूं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, यस ठीक है? तो इसको फर्दर आप ये लिख सकते हो कि -25 - 50 के + 24, तो ये इसमें से 25 कॉमन निकला, तो -1 ये +50 के ना, +2 के + 24, ये तो 24 से डिविजिबल था, तो रिमाइंडर कितना बचा चीकू? हाँ जी, रिमाइंडर कितना आया? 24 आया ना। क्या अब बेटर वे में क्लियर है? क्लियर हाँ यस मैम। है सबको? क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि ये गलत था, इसको भी ऐसा ही सोचा था आपने, सोचा 25 के है, -1 -24 करा, +24 करा, ठीक है? तो आपके पास 25 के - 25 बना, +24, ये 25 से डिविजिबल है, तो ये रिमाइंडर बचा ना बच्चा पार्टी। क्लियर यस मैम। है? टेक योर टाइम, ले लो 5 मिनट, सोच लो, फिर मुझे बताओ। सोच लो, ले लो 5 मिनट, फिर मुझे बताओ। मैम इसमें के की वैल्यू कोई सी भी जैसे 1 2 3 कोई वो कुछ सी भी भी लेते चलेगी, ना हाँ, वो कोई भी चलेगी एज पर द मल्टीपल ना। मैम, अगर हम के की वैल्यू 2 लेंगे तो 49 आ जाएगा रिमाइंडर। अरे अपन उस चीज के लिए बात नहीं कर रहे, अपन बोले के इज एनी मल्टीपल, के पूरी की पूरी टर्म है जो सॉल्व करके आएगी, अपन ने इसको नाम दिया है, ये वो थोड़ी है आपका जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन थोड़ी है, आपने के को नाम लिया क्योंकि के की वैल्यू सॉल्व होके आएगी। सोच के देखो, वो पूरा टर्म है आपके पास एक जिसको आपने बोला है, यस मैम। ठीक है? यस मैम। वो जो आप बात कर रहे हो वो दूसरी बात होती है, वो बाइनोमियल में होता है जब वो एक्सप्रेशन को जनरलाइज्ड कर देते हैं अपन। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई इशू है? नो मैम। सबको क्लियर है? गर्ल्स यस मैम। सोच लिया, टाइम ले लिया अपना? यस मैम। यस मैम। अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है? हाँ जी, देखिए विजिबल, अगला क्वेश्चन विजिबल, राइट? विजिबल है सबको, यस मैम। ठीक है? सोचिए, हाँ कृष्णा, वो तो रोज ही डाल देते हैं बच्चे, कल से डाटा बचा के रखना कृष्णा।
सोच रहे हैं? मैम डोमेन नाम से अपने पास रखो, फिर सबसे डिस्कस करते हैं। अभी कोई यस नो नहीं है। गर्ल्स डन, सेम वे में कुछ सोचना है? क्या सोचा? कुछ ऐसा ही सोचा होगा जिसने मेरे को आंसर दिया है कि 3 की पावर 3 उसकी पावर 63 होगा, 21 होगा, सॉरी। ऐसा ही सोचा है बच्चे, राइट? तो इसका मतलब आपने इसको, आपको पास बना 27 की पावर 21, राइट? तो आपने इसको सोचा कि भाई क्यों ना इसको क्या लिख दिया जाए। वन प्लस 26 की पावर 21, राइट? यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ तक सबने यही लिखा होगा। और आपको इसकी एक्सपेंशन आती है कि ये 21C0 बनेगा, 21C126 बनेगा, 21C226 की पावर 2 बनेगा, एंड सो ऑन। सिल्की क्या कहती है? तो ये 1 प्लस 26 कॉमन लूंगी चीकू, तो 21C1 बनेगा, अनुराग 21C226 बनेगा, एंड सो ऑन। जाने कि इसको आपने के बोल दिया, ये लास्ट क्वेश्चन की तरह है। इट इज नॉट एनी मल्टीपल, यश ये कोई मल्टीपल थोड़ी है 1 2 3 पुट करने के लिए, तो एक्सप्रेशन का वैल्यू yes, होगा। तो आपके पास ये क्या बना? 1 प्लस 26 के। तो मुझे पता चला कि 26 से पूरा डिविजिबल है, लेकिन उसके बाद एक चीज है जो नहीं डिविजिबल, 1। तो इसका रिमाइंडर 1 होगा। yes, यहां तक किसी को कोई इशू, कोई डाउट? नो मैम, नो। अब ये क्वेश्चन तो आपसे हो जाएगा, ये कुछ सिमिलर ही क्वेश्चन है। वहां 102 था, बस यहाँ पे 103 है। क्या कहते हो? होमवर्क में दे दूंगा इसे, करके बता रहे हो फटाफट आंसर कितना आएगा? सिल्की एक्सपेक्ट करूं आंसर? यस मैम। ठीक है, चलिए फिर एक्सपेक्ट कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ मैं आपके एंड से आंसर की। ओके, कहते 18 आंसर आएगा। सबका 18 आएगा? यस मैम। सॉल्व कराना। हाँ जी, बिल्कुल सही है। क्या सबका 18 आ रहा है?
बहुत सिंपल से बात सोचनी थी, अभी क्वेश्चन कर रहा था। देखो 7 × 7 की पावर 2 उसकी पावर 51 लिख सकते हैं, यस मैम। ठीक है, तो आपने मैम इसको तो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, क्या कहते हो, यस मैम, है ना, 24 आया था। 24 आया था। अगर अपन इसको सॉल्व किया होगा, आपने देखा होगा कि 7 × 50 − 1 की पावर 51 लिखा आपने, राइट। तो इसको जब सॉल्व किया तो इससे माइनस कॉमन निकला हुआ, तो −7 × 50 − 1 − 50 की पावर 51 लिखा। यस मैम, और इसको सॉल्व करके लास्ट वाले क्वेश्चन में आपके पास कितना आया था, 24 कुछ आया था, कितना आया था, ये एंड आया वन था ना माइनस 25 के माइनस वन, है ना, 25 के माइनस 1 आया था। तो जाने की अब आपके पास −25 × 7 के −1 + 7 बचा, कुछ ऐसा ही सोचा होगा, प्लस 18 माइनस 18 किया होगा, क्या कहते हो। यस मैम, तो ये पता ना 18 रिमाइंडर बच रहा है, ग्रेट। मैम 18 क्यों हमने प्लस माइनस किया? वो 25 बनाने के लिए, उसको शो करने के लिए कि पूरा डिविजिबल है, अच्छा, यस मैम। ठीक है। ये देखो ये आपने ये याद आया होगा, इतना सा करा था, ये कुछ ऐसा बना, ये 25 − 14 के + 18 बचा, कुछ ऐसा भी कर सकते, पूरा सॉल्व कर लेना तो भी चलेगा, ठीक है। यस मैम, अगला क्वेश्चन विजिबल है, ऐसे यस बन। मैम, देखो अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन करे एप्लीकेशंस में, एक तो 1 − nx वाले करे थे, सारे के सारे डिविजिबिलिटी वाले करे, और एक रिमाइंडर वाले करे, दो तरह के क्वेश्चंस करे सब लोगों ने, यस मैम, राइट। तो अभी अगली एप्लीकेशन जो है उसमें अपन बात करें फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ 32 की पावर 32, कि अगर लास्ट डिजिट आपसे पूछा जाए तो कितना होगा, या फिर अगर आपको इसी क्वेश्चन को मोल्ड करके दे दे कि रिमाइंडर बताओ अगर 10 से डिविजिबल है तो, रेडी। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए ना सबसे पहले तो टेबल आना चाहिए। देखो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है बच्चा, यस मैम, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 9 सही करें 256, 8, राइट। मैम, और 2 की पावर 9 आपके पास कितना बनता है, एंड सो ऑन, 512 बनेगा, राइट। क्या आपने एक चीज देखी कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, यूनिट प्लेस चेक करो, 248 248 एंड 6, क्या एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, यस मैम, जाने कि आपको ये पता चला कि हर फोर्थ पावर के बाद आपका वही से पैटर्न यूनिट प्लेस का शुरू हो रहा है, कि यूनिट प्लेस 2 की जितनी भी पावर्स रहेंगी वो 2 4 8 6 रहेगा, यस मैम, यस मैम, क्या सबको बात क्लियर हुई, यस मैम। अब मेरे से जो पूछा है, मेरे से पूछा है 32 की पावर 32, जाने की 2 की पावर 5 और उसकी पावर 32, यस मैम, राइट। तो अब आप क्या सोचोगे, देखो हर फोर्थ प्लेस के बाद पावर चेंज हो रही है, यानी कि अगर 2 की पावर 4 उसकी कोई पावर होती, सपोज करो 2 की पावर 160 ले लेती हूँ, तो 40 होती, तो आप बोलते ना कि इसका जो यूनिट प्लेस है वो आपको क्लियर था कि जो 2 की पावर 4 का आएगा वही आएगा, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, क्या बात समझ आई, यस मैम, इसको सॉल्व करके देखो ये क्या बना, 2
टू की पावर 140 बन रहा है कि 160 बन रहा है? 60 बन रहा है, राइट? क्या मैं इसको 2 की पावर 4 और उसकी पावर 40 लिख सकती हूँ? बोलिए। यस मैम। तो इट मींस मुझे ये पता चला कि जो 2 की पावर 4 का होगा, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, ये भी रेपिटेशन चलेगा, एग्री? यस मैम। तो इसका मतलब जो 2 की पावर 4 का यूनिट प्लेस आएगा वही मेरा लास्ट डिजिट आएगा। तो 2 की पावर 4 यानी कि 16, तो मेरा 6 आएगा लास्ट डिजिट। क्या बात क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? उसके बाद उसने रिमाइंडर पूछा, ये आप देख सकते हो, क्या कहते हो? उसमें तो कोई इशू नहीं है रिमाइंडर में? या है? कर लोगे रिमाइंडर वाला? चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्या इसके बारे में बताओगे? लास्ट टू डिजिट्स पूछ रहा है वो, 27 की पावर 27 के। क्या लिख सकते हो इसको? 3 की पावर 3 क्यूब। 3 की पावर 3 और उसकी पावर 27, यानी कि 3 की पावर 81 आ गया। और आप इसको 3 इंटू 3 की पावर 80 लिख सकते हो। यस। और सॉल्व करने के लिए 3 इंटू 3 का स्क्वायर उसकी पावर 40 लिख सकते हो। क्या कहते हो? यानी कि ये 3 इंटू 9 की पावर 40 हुआ। और यू कैन डू 3 इंटू 81 की पावर 20 लिख सकते हो। यस मैम। ठीक है, तो क्या फर्दर अब जो 3 की पावर 81 था उसको मैं सीधा लिख सकती हूँ कि भाई ये तो 3 इंटू 1 प्लस 80 की पावर 20 है? यस मैम। तो आपके पास 3 तो बाहर रह गया, ये बनेगा 1 प्लस 20 सी 1 इंटू 80 प्लस 20 सी 2 इंटू 80 की पावर 2 प्लस 20 सी 2 80 की पावर 3 एंड सो ऑन, 20 सी 20 80 की पावर 20। क्या एग्री हो? क्लियर? यस मैम। इज इक्वल्स टू 3 इंटू, अब सोच के देखो क्या बना, क्या सोचा, कौन सी टर्म सॉल्व कर सकते हो? ये 1 देगा और ये मेरे को 20 इंटू 60 1600 देगा। इसके बाद जितनी भी टर्म होंगी वो सब 100 का मल्टीपल होंगी। यस और नो? यस। यस मैम। क्या किसी को कोई डाउट है? तो ये 1601 जो है वो 4803 आया प्लस अ मल्टीपल ऑफ 100। क्या सबको क्लियर है? क्योंकि मैं सॉल्व तो कर नहीं सकती इतनी बड़ी टर्म। तो जब कोई मल्टीपल ऑफ 100 इसमें ऐड होगा, सोच के देखो, ये आपके पास कोई भी मल्टीपल ऑफ 100 है जो ऐड होगा और हमेशा उसके लास्ट डिजिट में उसमें 4803 ऐड होगा, तो कौन से लास्ट डिजिट रहेंगे हमेशा दो? 03। इसका आंसर 03 आ जाएगा बच्चा पार्टी। यस मैम। क्या किसी को डाउट है यहाँ तक? और अगर इसी में ये पूछा होता रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 100, तो आपको दिख रहा है रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 80 आ जाएगा ना? 80 क्यों आएगा? ये आगे वाली पूरी टर्म आएगी ना 4803। अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो बाकी जो बचा वो रिमाइंडर है।
यस मैम, क्या कहते हो? तो तो हम अभी इसका, हाँ हाँ बोलो। जब हम इसका डिविजिबल होगा वो तो 80 होगा ना? 80 से नहीं बेटा, 100 से डिविजिबल हो रहा है। वो आप अलग वे से सोचो। अगर वो 80 से डिविजिबल पूछता तो आप यहां से लेते उसको, तो रिमाइंडर 3 आता। यस मैम, ठीक है, क्या इसी प्रैक्टिस से आप इसको सोच पाओगे जो आपको क्वेश्चन दे रखा था, ये व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 10? क्या अपन सोच पाएंगे? मैम इसका रिमाइंडर 6 आएगा। कैसे सोचा? कैसे सोचा बच्चे? मैम उसमें 100 से डिवाइड हो रहा था, तो मतलब लास्ट में जो पिछली वाली में उसमें सिर्फ 0-3 आ रहा था, उसमें हमें समय सिर्फ एक डिजिट निकालनी थी, तो हमें एक डिजिट निकल गई, तो उसे 10 से डिवाइड करें तो 6 ही बचेगा ना फिर। क्वेश्चन को करेंगे कैसे? कहाँ तक लेके जाओगे? कैसे सोचोगे? बोलिए। मैम इसको 2 की पावर 5 में कन्वर्ट कर देंगे 32 को, फिर जो 5 की पावर आएगी उसको 32 से मल्टीप्लाई करके। हाँ किसी को है माइंड में? इस चीज को होमवर्क असाइन कर दूं? सोच क्या होगे, है यस मैम, ना? यस मैम, क्योंकि और मतलब है तो दोनों ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, बट अपन को सोचना है कि हाँ लास्ट डिजिट और रिमाइंडर में अगर बात करें तो मैं कैसे सोच पाऊंगा। हो सकता है वो लास्ट डिजिट ना पूछे, अगर रिमाइंडर पूछेगा तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा। मेरी बात क्लियर हुई? यस मैम, ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था जिसमें अपन ने प्योरली एप्लीकेशंस के बारे में बात की। हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस करी? हम लोगों ने ओनली सोनली 3 चीजों के बारे में बात करी। एक तो आप लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा कि कैसे बाइनोमियल डिविजिबिलिटी निकालने में हेल्प करती है, राइट? दूसरी चीज आप लोगों ने रिमाइंडर पढ़ा कि कैसे मैं रिमाइंडर निकाल सकता हूँ, राइट? और थर्ड डिजिट आपने लास्ट डिजिट वाली प्रॉब्लम। तो ये सारी की सारी क्या थी आपकी एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम थी बच्चा? क्लियर? अब आप कर क्या सकते हो? अब आपको ये करना है, आप अपना मॉड्यूल लगाओगे कल वाली क्लास से पहले। जस्ट गेट इट इन योर माइंड, क्या करना है? मॉड्यूल लगाना है और एक बार देखना, क्योंकि आप लोग बोलोगे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, तो एक्सरसाइज 1 में ए और बी पार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बोला था मॉड्यूल लगाना शुरू कर दो, तो काफी लोगों ने लगा भी लिया होगा, तो एक्सरसाइज 1 में ए और बी सेक्शन हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? यस मैम, तो अगर बोलोगे कि नहीं होगा तो सिर्फ सेक्शन बी करके आ जाना। 8 क्वेश्चन है आज के टॉपिक के बेस्ड है, तो चलेगा? क्योंकि बाकी सब एक्सपेंशन है, रोज के चार चार पांच पांच करोगे तो भी हो जाएगा। सैटरडे को आप लोगों की रिवीजन क्लास है, क्योंकि संडे को आपका टेस्ट है जिसका सिलेबस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, जो आप लोगों को ऑलरेडी क्लास में बोल दिया गया है, राइट?
क्लियर है सबको? यस मैम। तो अगर इफ यू वांट कि मैं मॉड्यूल शेयर करूं तो क्या मैं मॉड्यूल शेयर कर दूं, है ना? मॉड्यूल शेयर कर देती हूँ, कुछ परसेंट क्वेश्चंस तो होंगे। आई कैन शेयर इट फ्रॉम क्वेश्चन वन। स्टार्ट कीजिए फटाफट, टेक योर टाइम, आंसर्स निकालते रहिए अपनी कॉपी में, बाद में आप चेक कर सकते हो, आपके पास आंसर की सब कुछ है। फर्स्ट 7 क्वेश्चंस है, फटाफट से लगा दो। फटाफट रुकना नहीं है, थकना नहीं है, कब तक नहीं थकना? जब तक आईआईटी नहीं मिल जाता। हाँ जी कर रहे हैं। यस मैम। ओके हमें डन।
सुनिए, मैंने डीपीपी प्रीवियस ईयर सब ऐड कर दिए हैं आप लोगों का एक ही काम है। तो मैंने बोला आज वाले टॉपिक के बेस पे जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल के वो करके आने हैं। ठीक है जी, क्लियर है? यस मैम। तो कल वाली क्लास में हम ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना सीखेंगे, ग्रेटेस्ट टर्म। ओके।